दगड़ियों गुड मॉर्निंग। पहला कैसा आप सभी लोग, आई होप कि सही बढ़िया होंगे। तो दगड़ियों, मैं विशाल रावत उत्तराखंड अल्मोड़ा से स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दगड़ियों, आज अभी फिलहाल सुबह सुबह मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी। आप देख सकते हो मेरा गेटअप कुछ ऐसा है ये। बाकी दगड़ियों साथ में रुक जा मम्मी। क्यों गेटअप अच्छा नहीं हो रहा मेरा? तो ठीक है फिर दगड़ियों, अभी नहा धो के हम जा रहे हैं मगलता दोस्तों भावना दीदी के ससुराल, मैं और मुकेश भैया, है ना। तो आज पहली बार दगड़ियों में भावना दीदी के ससुराल जा रहा हूँ मुकेश भैया के साथ, और आज भावना दीदी के लिए कुछ गिफ्ट भी ले रखे हैं मैंने, है ना। तो आज मैं भावना दीदी को गिफ्ट भी दूंगा। मम्मी चार पैकेट कुरकुरे जीवन दी भावना दीदी थे, ये शौर्य है शासन थे। चलो ठीक चुप है, ठीक चुप बाय। ओके चलो फिर दगड़िया चलते हैं, आज दिखाता हूँ आपको भावना दीदी का ससुराल और क्या हमने गिफ्ट ले रखा है मैंने, वो दिखाता हूँ अभी आपको सीधा भावना दीदी के घर पहुंचने के बाद, है ना। चलो ओहो नितिन भाई, बाय नितिन भाई। हैं सब कुछ सही है? सब सही है चाचू। पहला लाख ठीक चा, एक दर्जन क्या हो, सौ रास। अरे पहला को चाचा, पहला को वो ये फफनी फाड़ के रहे हो। जय हो भगवती माता। कदू है कि हो? चलो दोस्तों आप चलते हैं सीधा भावना दीदी के घर में, है ना। आज पहली बार मैं भावना दीदी के ससुराल में जा रहा हूँ, और है ना खाली हाथ नहीं जा रहे दोस्तों, हमको भी शर्म है, हम भी कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। पहला काम हो ठीक छा, बढ़िया हम बड़ी। दोस्तों घर के अंदर हमने एंट्री मान ली है, और जो बाहर बैठ रखे थे भावना दीदी के ससुर जी थे, और भावना दीदी भी जस्ट मेरे सामने ही है। अभी मैं उन्हें दिखाऊं नहीं दिखाऊं जैसी हो रही है अभी ना बिलना। चलो नहा के थोड़ा भावना दीदी को सजने देते हैं फिर, है ना। अभी भी मतलब भावना दीदी वैसे बहुत स्मार्ट है, लेकिन चलो थोड़ी अनुमति भी होती ना, आज मैं उनके वहाँ पहली बार आ रखा हूँ तो अभी भावना दीदी से मिलाते हैं। आते देखो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी खोल दी है, ये भावना दीदी डाल रही है, मैं दिखा रहा हूँ अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। ट्विस्ट रखा है कि भावना दीदी अपने ससुराल आने के बाद कैसी हो गई है करके ना। चश तो हमारे लिए आ गई यहाँ पर खाने के लिए लीचियाँ, भावना दीदी लीची भी ला गई देखो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, तो अब हम लीची खाएंगे। खातिरदार यार मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो हमारे आ चुकी है लीची, दिखाओ ले। पैसा खाने आया घूमते घूमते यहाँ पर मैं आ गया हूँ भावना जी के कमरे में, जहाँ पर भावना जी दगड़ी रहती है सोती है ना। तो भावना जी का कमरा भी देख लिया मैंने आज कि कैसा है करके, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। काफी प्यारा कमरा भावना जी लोगों ने बना रखा है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले आप दीवार में जस्ट सामने आप देखोगे तो भावना दीदी और जीजा जी दोनों के दोनों हैं। जीजा जी उर्फ मेरे मामा दोस्तों, है ना, वो मेरे जीजा जी और मामा दोनों लगेंगे। और यहाँ पर एक और फोटो फ्रेम है जिसमें जीजा जी और अगल बगल में उनके मम्मी पापा है। भिंजू ने नंचाना, तुम फोटो देख सकते हो, हाइट टू पे पैर वेर ये देखो। अब व्लॉग में देखेंगे तो बोलेंगे थाले ने सब कुछ दिखा दिया आज घर आके मेरे। आपको गिफ्ट दिखाता हूँ जो भावना दीदी के लिए मैं ला रखा हूँ। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये देखो कितनी जोड़ी कपड़े ला रखा हूँ मैं वैसे, है मुकेश दा। दो जोड़ी ना, हाँ मेरे को याद ही नहीं है, तो दो जोड़ी कपड़े दोस्तों मैं भावना दीदी के लिए ला रखा हूँ, आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पर आप भावना दीदी को भी देख सकते हैं, भावना दीदी पहला ठीक छा ये फोन सुखाई नो। यो देखो रोप लगा भी रहेगी, ये रोपा रहेगी, मगर तो हमारी रोपाई भी शुरू हो गई यार आज से, हम वहाँ बिना नहीं रहे बताओ। यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है हमारे वहाँ से,
यहाँ बैग था आज ने जैसे जैसे डाउन होता जाएगा ने वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। सिराघाट में तो ऐसी गर्मी मच रही है अभी बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा चलो आज तुम ला आ जा लाओ दोस्तों हम खाना वाना खा लेते हैं बाकी खाना मजा आ गया चलो हम खाते हैं अब तो खाना वाना खा लिया दोस्तों बाकी मजा आ गया खाना वाना खा के तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर कमरे में आ गए रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर है ना अब आधा ही घंटा रेस्ट करते हैं फिर जाना है घर को है ना अभी शाम के समय हम घर को चले जाएंगे थोड़ी धूप धूप जाने देते हैं फिर आराम से 3:30-4 बजे तक हम घर को निकल जाएंगे तो थोड़ी देर आराम करते हैं मजा आ गया लेकिन खाना खाने में आ रहा हूँ बहुत टेस्टी खाना था बहुत बढ़िया अभी दोस्तों फिलहाल दिन के 3 बज चुके हैं और बाकी हम सोए थे अभी उठ गए हैं उठे इसलिए उठते तो नहीं बहुत तगड़ी नींद आ रही थी ना अंदर लाइट चली गई तगड़ी हो और जदले तात अलग ही जानी यार लग रहा है भैलमा गली आग लगाया है बाप रे तू गरम रहो मगल तो मिला और कुछ अरे तो अभी फिलहाल यहाँ पर हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली है और हल्की फुल्की अब बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है आधा एक घंटा अगर तगड़ी बारिश लग जाती ना तो भाई मज़ा आता देखो बूंदाबांदी तो शुरू हो गई है बस बारिश ही यार 3 बज गए हैं 4 बजे तक बारिश हो जाए ना मजा आ गया अब होने लगी बारिश तगड़ी वाली होने लगी दोस्तों तगड़ी वाली बारिश अब आएगा मजा हाँ हाँ चलो सही है यार ऐसी बारिश चाहिए देखो ना जब भी पहाड़ों में गर्मी जब होने लग जाती है ना तो बारिश तो हो ही आती है ऐसा भी इतनी तगड़ी गर्मी लगी उमस जैसी लगने लगी थी सो रहे थे हम बाहर आ गए लेकिन आप देखो बाहर आए तो देखो 10-15 मिनट बाद अब बारिश लगनी शुरू हो गई है इन पहाड़ों में स्वर्ग की छाओ में हे महादेव आया नंगे पाँव में मेरा घर जब तेरी ही भूमि पर तू ही बता मेरे शिवा कहाँ जाऊँ मैं बस तेरी रूह मुझ में ही बसती है जहाँ देखूँ वहाँ तेरी ही दृष्टि है रहना बस मुझे मेरे ही पहाड़ों पर नाम तेरे मैंने जिंदगी ये लिख दी है भावना दीदी अपनी शादी की एल्बम लेके आ गई है अच्छा मुकेश भैया नहीं देख रही चलो आज देखो फिर तुम हमने तो देख लिया कब की हाँ ये बढ़िया है अब तो एल्बम भी अलग टाइप की चलने लग गई है सीधा वो पेज में प्रिंट आते हैं पहले वो पन्नी लाग रही पन्नी ध्यान नहीं करनी हुई नो हाँ ये देखे दोस्तों आप बुबू को ये कितने अच्छे लग रहे थे यार उस दिन लेकिन ससुर तो भाना का तो जवानब है यार अल्ले बताओ बुबू को देख सकते हैं आप ना बुबू को देखो ना कितने जवान है दगड़ियो है ना लगता नहीं होगा ना मतलब इतना बड़ा बेटा है और मतलब फिर भी ना बहुत जवान है सच में और बेटा तो आपको पता ही है कि यार सच हमारे मतलब इलाके में ना सबसे स्मार्ट जीजों में से एक है मेरे जदुनगर मतलब भिन्न होने में सबसे स्मार्ट भिन्न में यार अब और भिन्न मगर देख भी नाराज वाल हभी होनी ये बात है पिछले एक घंटे से बारिश होने में ये कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू नहीं टाइम टाइम पे जैसे 10-15 मिनट 20 मिनट हो रही है फिर थोड़ी देर रुक रही है फिर हो रही है फिर रुक रही है और अभी आप इतनी तगड़ी बारिश होने लग चुकी है देखो ऊपर क्या पहाड़ों में भी देख सकते हो वहाँ पर बारिश ही बारिश हो रही है और देखो वो वाले पहाड़ तो छुप भी गए अभी बारिश से ओए होए ये देखो बारिश तो हो ही रही है साथ में इतनी तगड़ी हवा चल रही है बारिश की बूंदें सीधा मुँह पे उड़ के आ रही है ये देखो बहुत बढ़िया मौसम हो गया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ठंडी ठंडी हवा और बारिश अब मतलब आज रात को नींद निकालने में बहुत मजा आएगा जो ये भाई ला रहा है इसे बोलते हैं धनिया ओहो रणनी खसाखस यहाँ पर देख सकते हैं पूरी फैमिली यहाँ पर भावना दी की बैठ रखी है वहाँ पर आप देख सकते हैं दगड़ियों जस्ट सामने ही सास और बैरी दोनों के दोनों बैठ रखे हैं और सौर जो दगड़ियों कुर्सियाँ बैठती इल्ला फर्स्ट क्लास का है ना तो आप देखिए ना कितना असल कारोबार हो रखा है बाकी इनके कारोबार की बात करें ना काम काज दगड़ियों बहुत कम छू हमर जी का कष्ट उदू नहा है ना काम काज की बात करें तो बहुत बढ़िया यहाँ का माहौल है और साथ सौल दगड़ियों बहुत बढ़िया छन जदु दिखेना भाल छन दगड़ियों उदू व्यवहार अगला भाल छन ये घर इनका पे देख सकते हैं आज दिखा दिया मैंने पहली बार अपनी भावना दी का ससुराल है ना चलो अब आते रून हाँ होए गो पे अब देखो ऊपर के पहाड़ों में कोहरा लगना भी शुरू हो गया है ऑफलाइन में तो बहन इनको पहला कह चुकी बा ऑनलाइन में पहला कर दिनो सबन का पहला यो ओए होय होय बैठ जाओ तुम एक बार होय तो ये ले मेरे माकोटी चंद दगड़ियो तो तुम्हारा आज के करो बिन निकालो और रोबला लगानी हो ना हल्का हल्का
अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया दगड़ियो यही ना आप रोपला लगाने फेंको है ना हमारे भाई आज बिनन निकाल ले हो जाड़ तो है ही रो आज मौसम ला बढ़िया है को हेलो भाई जूजाक और हमारे लिए चाय बन के आ चुकी है बाहर तगड़ी लग रही है बारिश यार हमारे घर जाना मुश्किल है वो यार जाड़ तो छी लेकिन ये बारिश इतनी तगड़ी लग रही है अपने जमाई जी के कपड़े यहाँ पर पहन लिए हैं जमाई जी आप देख सकते हैं ब्लॉग के माध्यम से ये पसना बास या गदक मच रहे ये ली सब कपड़े ना बासल भाव ना इनका भाई दीदी जो तुझे बोल रहा हूँ क्यों आला जब तो बास आए तो वैसे हम कितने सगुनी है ना ये मेरा बोलना नहीं है ये बोलना है अम्मा का है ना अम्मा हम यहाँ आया जब या दुला आगो बेल विशाल भाई के लिए विशाल भाई आज भावना के वहाँ रखे हैं तो भावना जी की ससुर जी ने आज उनके लिए स्पेशल खाना बना रखा देखो आप छोटने वाला बर्थडे थी पूरा एक कपड़ काट रहे बर्थडे जो होना का बड़ी कौन संदर्भ में दोस्तों आज यहाँ पर बगल में बर्थडे है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था है ना अब न्यू खा दे रहे जाने पे यार है ना अब बारिश थम गई लेकिन अब अंधेरा होने वाला है तो यार मैं तो बोल रहा था घर को चलो घर के अब भावना जी भी बोल रही है यहीं रुक जा ससुर जी बोल रहे हैं उनके यहीं रुक जा सही बोल रहे हैं यहीं रुक जा करके हम लोग मंगा तो भी आप रुक जाना तुम हो भाई यहाँ रह गया वो आ जाओ ठीक छो ठीक छो हो ठीक छो दगड़ियो यहाँ भुवन करो हाँ मंगा जा समझ जा अरे मंगा तो कमेंट ला जी तो भुवन में क्या सरोज का आलो छू है ना इन्होंने मुर्गीला पावर है और आलो इन्होंने अंडले दिया है लो ये देखो यो ओहो मुर्गेल को नहीं पे भुवन जी को नहीं मुर्गेल को नहीं यार ये देखो भूयो ये इसको नहीं भाई आ रियो अरे काम करो ने जो अंडे से ना अंडे पाला ले ये भुवन भुवन अंडे दियो ये रामल ओ इधर ही आओ तो मारो दोस्तों यहाँ पर खाना बन रहा है और रशियार भी दोस्तों बुबू ही है बनाने वाले है ना बुबू का हाथों का साथ दगड़ियों काफी अच्छा है दिन में भी जो खाना बुबू ने बना रखा था ना वो बुबू नहीं बना रखा था जो हमने खाया मिलते हैं फिर दोस्तों कल एक नई दिन की नई शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग में तो तब तक के लिए बाय बाय लव यू।